अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ ये है नहरान, पाकिस्तान का एक हसीन तरीन शहर। ये है नहरान की सुबह का दिलकश हसीन मंजर। रुई का लिबास उड़े ये पहाड़, हवाओं की धीमी धीमी आवाज़, परिंदों की चहचहाट और ये बुलंदो बाला पहाड़, बहता दरिया और इसका शोर, ये सब इतनी तरतीब से होना उस ज़ात की शहादत दे रहे हैं जो इस पूरी कायनात खालिक व मालिक है। वो अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अब हमारा सफर शुरू होता है नहरान से झील से अचकोलते खाती जीप में बैठे हम लोगों की हड्डियाँ तो इधर से उधर होगी, लेकिन सामने नज़र आता हुआ एक खूबसूरत हसीन मंजर, अरे टूटे टूटे जिसम की थकावट को दूर दूर करता चला गया। नहरान से झील से बंगलोर का टोटल सफ़र 7 किलोमीटर है, जो कि जीप में तकरीबन 45 मिनट्स या 40 मिनट्स लगते हैं। रास्ते में हर एक मंजर इतना दिलकश है, एक लम्हे भी आपकी नज़र को कहीं और बहकने नहीं देगा। नहीं, अब झील सैफ अल मुलूक का सफ़र शुरू होता है। आप भी रोड के और सफ़र के मज़े लिए और हसीन मनाजिर के हम भी सफ़र इंजॉय कर रहे हैं। और जनाब आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। और ये सामने झील सैफ अल मुलूक का व्यू, खूबसूरत मंजर और इसका लैंडस्केप इंतहाई हसीन है। तमाम चीज़ों का सफ़र करने के बाद जो लैंडस्केप झील सैफ अल मुलूक का है, शायद इसी वजह से ये झील सैफ अल मुलूक पूरी पाकिस्तान में जानी जाती है। इस सैफुल मुलुक से रिलेटेड बनाई गई तमाम तर सुनी गई तमाम तर कहानियाँ फर्दी हैं। अगर झील सैफुल मुलुक के बारे में कोई रियलिटी पे बात की जाए तो उसकी एथेंटिक और एक ही बात और या एक क्वालिटी आप कह लो ये कि बड़े बड़े दुनिया के साइंटिस्ट आए हैं जो इसकी डेप्थ मालूम करना चाहिए, जो आज तक इसकी डेप्थ मालूम ना हो सके। उसके अलावा जिन बड़ी अबूत जो भी ये तमाम तर कहानियाँ फर्दी हैं। फिर से हम लोग के खूबसूरत मनाजर इंजॉय करें, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हमें इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।